सीजी ट्यूटोरियल प्रेजेंट्स समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के प्रायोजक हैं सीक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, मां शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। स्कूल टॉपर्स अवार्ड के सह प्रायोजक हैं डीपीएस किड्स, वर्मा क्लासेस, अरीना एनिमेशन, एमआईपीएस उज्जैन। नमस्कार, देवास के स्कूल टॉपर्स से मिलवाने वाले देवास के एकमात्र प्रयास समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप स्कूल टॉपर्स अवार्ड को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। आपके लगातार आ रहे फोन और व्हाट्सएप पर आ रहे संदेशों से हमारे इस प्रयास को जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम किन किन टॉपर्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे ज्ञान सागर अकेडमी के मैथ्स टॉपर निधि शर्मा के घर। निधि शर्मा के बाद हम चलेंगे ग्राम आकिया में रहने वाले द हिमालय अकेडमी के 10वीं के टॉपर सरफराज पटेल के घर, तथा उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे ग्राम राजोदा में रहने वाली सांदीपनी स्कूल की मैथ्स टॉपर मनीषा पाटीदार के घर। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं इन सभी स्कूल टॉपर्स के घर, तो देखते रहिए एसआर। जब सीबीएसई विद्यालयों के टॉपर्स की लिस्ट बनती है तो टॉपर्स में नाम आता है सीजी ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों का। सर्वोच्च अंकों के साथ इस वर्ष भी आगे सीजी ट्यूटोरियल्स, सीबीएसई विद्यार्थियों का जंक्शन पॉइंट सीजी ट्यूटोरियल्स। वी डोंट टीच डिफरेंट, वी टीच डिफरेंटली। प्रतिदिन लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस के पीरियड। सीजी ट्यूटोरियल्स में विद्यार्थियों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन पार्ट पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति अपनाते हुए विजुअल क्लासेस के साथ साथ मेंटल एबिलिटी क्लासेस का संचालन, विद्यार्थियों की बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट के लिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सेमिनार्स का आयोजन, एजुकेशनल ट्रिप्स के माध्यम से जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास। क्लास 9, 10 में फाउंडेशन क्लासेस, ओलम्पियाड, परीक्षाओं की तैयारी के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण। क्लास 11, 12 में रेगुलर कोर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाती हैं। मैनेजमेंट का पालकों से सीधा संपर्क रहता है। प्रतिदिन पढ़ाए गए पाठ्यक्रम की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाती है। नियमित पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, बेहतर भविष्य, सफल व्यक्तित्व का निर्माण स्थल सीजी ट्यूटोरियल। आईएसओ 9001:2008 सर्टिफाइड सीजी ट्यूटोरियल नियर एलएनबी क्लब, एबी रोड, देवास। मोबाइल 9070469 47, फोन 0727242188। बच्चों की कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सीक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति लाए हैं थर्ड आई एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से अब बच्चों की पांचों इंद्रियों के साथ जागृत होगी छठी इंद्री भी। बंद आंखों से बच्चों का रंगों को पहचानना, नंबर पहचानना, साइकिल चलाना, कैरम खेलना, सामने वाले व्यक्ति की स्थिति बताना, अंधेरे कमरे में पढ़ना, गारंटी के साथ अब बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी। इसके साथ ही बच्चों की चिड़चिड़ाहट, जिद, शर्माना, झिझक में सकारात्मक परिवर्तन। निशुल्क डीएमआईटी टेस्ट से अपने बच्चों के जेनेटिक टैलेंट के बारे में जाने और उनके आईक्यू, एक्यू, सीक्यू के बारे में भी जाने। फ्री लाइव डेमो दोपहर 2 से 4 बजे तक। सीक्रेट स्किल अपोलो शिक्षा समिति, राधिका कॉम्प्लेक्स, एमजी रोड, पंजाब नेशनल बैंक के पास, देवास। विगत 14 वर्षों से इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी के क्षेत्र में शिखर को छू रहे MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ने हजारों युवाओं के सपनों को साकार किया है।
75 एकड़ में प्राकृतिक हरितिमा से युक्त MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के साथ MCA, MBA, B-Pharma और M-Pharma कोर्सेज उपलब्ध हैं। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में विद्यार्थियों को मिलती हैं वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर लैब्स, फार्मास्यूटिकल लैब्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, स्मार्ट क्लासेस, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस हॉल, और इसी के साथ कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, सुविधाजनक होस्टल रूम्स, सात्विक आहार कैंटीन, बैंक ATM फैसिलिटी, डिस्पेंसरी, स्टेशनरी शॉप और उच्च स्तरीय स्पोर्टिंग फैसिलिटी। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में हाईली रिसोर्सफुल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसका विश्व विख्यात बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जीवंत संपर्क है, और इसी के कारण महाकाल ग्रुप के हजारों विद्यार्थी देश विदेश में महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का नाम शिखर पर ले जा रहे हैं। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के एंटी रैगिंग कैंपस में कैरियर मेंटोरिंग सेल, सॉफ्टवेयर सेल, विमेन एम्पावरमेंट सेल, इंग्लिश फोरम, स्टूडेंट काउंसिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और IIT मुंबई रिमोट सेंटर है, जो विद्यार्थियों को आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में सदैव आगे रहने के लिए तैयार करता है। महाकाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में है प्रतिभाओं के लिए प्लेटफॉर्म, टेक्निकल टैलेंट्स के लिए टेक्नो कुंभ, तो आर्टिस्ट्स के लिए कल्चरल एंड लिटररी एक्टिविटीज। MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स अर्थात असीम और अनंत संभावनाओं का आकाश, जहां विद्यार्थियों की महत्वाकांक्षाएं और स्वप्न बदलते हैं हकीकत में। स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आपका स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं निधि शर्मा के घर। CZ Tutorials प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हम आए हैं नगर निगम कॉलोनी, जहां हम मिलेंगे ज्ञान सागर एकेडमी की मैथ्स टॉपर निधि शर्मा से। तो आइए मिलते हैं निधि से। आइए। हेलो निधि, कांग्रेचुलेशन निधि। थैंक यू। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाय, मैं निधि हूँ और मैंने अभी अपना 12th क्लास का एग्जाम दिया है 85% से। ज्ञान सागर की स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार है। मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओके। आपकी फैमिली में आपकी मम्मी पापा के अलावा आप ब्रदर सिस्टर कोई है? नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड। ओके। अच्छा निधि, आपने आपकी स्टडीज की तैयारियां कैसे की थी? किसी कोचिंग का सहारा लिया था या फिर सेल्फ स्टडीज की? कोचिंग का सहारा लिया था, विश्वकर्मा ट्यूटोरियल्स का सहारा लिया था और हमने थोड़ी मेहनत तो की थी और ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे मार्क्स, पर जितना रिजल्ट रहा ठीक है। अच्छा, आपके स्कूल में एटमॉस्फेयर कैसा था स्टडीज को लेके? आप टीचिंग टेक्निक्स कैसी थी? आपको सेटिस्फेक्शन था स्कूल की टेक्निक से? हाँ जी, स्कूल में हमारी फैकल्टी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, हमें हमारा कैरेक्टर भी बिल्ड किया जाता है। हमें हर तरह से हेल्प करते हैं हमारी प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, सब बहुत सपोर्टिव है। हमारे टीचर्स दोकेन सर, विश्वकर्मा सर, रोहित सर, हमारी क्लास टीचर मैम प्रिया टोरा मैम बहुत अच्छी हैं और हमें बहुत हेल्प करती हैं हर तरह से। अच्छा, आप क्या सोचती हैं, आप अपने बारे में अभी क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहती हैं आप आगे, किस फील्ड में ज़्यादा जाना चाहती हैं? अभी मेरा एडिशनल सब्जेक्ट CS है, तो मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं। आजकल तो बहुत सारे इंजीनियर से जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं, आपने सुना होगा, तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं वहाँ पर? आप भी डिग्री लेकर घूमेंगी इतने सारे इंजीनियर से? जी बिल्कुल नहीं, अब परसेंटेज तो कोई भी स्कोर कर सकता है, लेकिन आप में टैलेंट होना चाहिए। अब आजकल लोग नॉलेज ओरिएंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी डिग्री ही देखते हैं, आप में टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो आप आगे प्रोग्रेस कर पाओगे, सक्सेस मिलेगी, नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आइए अब निधि के बारे में उनके पिताजी से उनके विचार जानते हैं। नमस्ते अंकल। आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक में मैं सर काम करता हूँ इंदौर में, यहाँ किलोस्कर में अपना डिस्पैच का कॉन्टैक्ट है जी। तो वहाँ पे सर्विस करते हैं। हाँ, आपको उम्मीद थी निधि से, निधि के अचीवमेंट के ऊपर आपको पूरा विश्वास था निधि अचीव करेगी? बिल्कुल, इसके नॉलेज को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये अगर और भी आगे जाने वाली थी, लेकिन 85 है तो हमें उसमें भी बहुत अच्छी खुशी हो रही है। अभी देखा आगे भी ट्राई करेगी, तो जैसे बताया उन्होंने कि इंजीनियरिंग के लिए, तो हमारा तो पूरा सपोर्ट रहेगा कि और आगे से बढ़ती जाए। कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं आप निधि से, कुछ और या इसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर जान की चॉइस है, चॉइस के ऊपर हमने फ्री कर रखा है। okay. हमें इस पर पूरा विश्वास है, जो ये करेगी हम इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब निधि की मॉम से उनके बारे में जानते हैं।
हेलो, नमस्ते आंटी, आप क्या करती हैं आंटी? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हाउसवाइफ है आप। निधि आपसे हेल्प लेती थी कुछ स्टडीज में? आपने कुछ सपोर्ट किया निधि को? ये अपने आप ही अपनी पढ़ाई की, अपने आप ही पढ़ाई करती थी, अपने आप ही टाइम से करना, सब उठना करना, ये अपने आप में अपनी पढ़ाई को लेके ज्यादा सेंसिटिव थी। ओके, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड थी। आप लोग को कभी गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी? मुझे शुरू से इसको गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके 10th में भी 90% मार्क्स थे, तब भी मुझे कभी गाइड करने की जरूरत, हमेशा अपने आप ही। अच्छा, आप और क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है अपनी बेटी से? इसमें यही हूँ, जितनी ऊंचाइयों पे चढ़ सकती है उतनी ऊंचाइयों पे चढ़े। आपका कुछ सपना जो आपने अपने लिए देखा और अब आप चाहती है कि निधि उसको पूरा करें? नहीं, बस हमने अपने यही सपना देखा था कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, पर हमें फैमिली सपोर्ट इतना नहीं था। हम इसको पूरा सपोर्ट देंगे कि ये कहीं अच्छी जगह निकल के अच्छे अपना, हम लोगों का भी नाम करे और अपना भी किसी फील्ड में नाम करे। अच्छा, तो जो कमियां आपके अपने जीवन में थी अब आप चाहती है कि वो सारी कमियां को भर दें निधि के लिए? हाँ जी, वो हमें चाहते जो कमी हम हमारे अंदर थी वो इसलिए हमारा बच्चा पूरी करे, इसके लिए हम इसको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे जी। थैंक यू आंटी। अच्छा निधि, आपको फैमिली से तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, तो आप आपका ड्रीम भी कंप्लीट कर लेगी ऐसा है। आप कुछ टिप्स देना चाहती हो अदर स्टूडेंट्स को, जैसे आपने टीचिंग टेक्निक्स अपने लिए अप्लाई की हो आप दूसरों को बताना चाहती हो? शुरू से ही अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़कर चलेंगे तो हमें एंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम वेट करेंगे कि एग्जाम्स आए तब पढ़ें तो सब कुछ कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए जिससे हम अच्छे से पढ़ सकें। थोड़ा थोड़ा कर ही पढ़ना चाहिए, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। आप स्टडीज को प्रैक्टिकली लेती हैं या थ्योरेटिकल लेती हैं? थ्योरेटिकल होना चाहिए या प्रैक्टिकल होना चाहिए? दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थ्योरी भी जरूरी है और प्रैक्टिकल्स भी जरूरी हैं। प्रैक्टिकली भी लेना बहुत जरूरी है और थ्योरी भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली भी जो चीजें अप्लाई होती हैं हमें वो कॉन्सेप्ट उसी चीज से बिल्ड होते हैं, और थ्योरी भी जरूरी है फॉर द कंटेंट थोड़ा, इसलिए। अच्छा निधि, आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? स्कूल, पेरेंट्स या कोचिंग? स्कूल को भी, पेरेंट्स को भी, कोचिंग को भी, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। अगर एक जगह से भी मुझे सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं शायद नहीं कर पाती, पर मुझे कोचिंग से भी, मेरे स्कूल फैकल्टी से भी और मेरे पेरेंट्स से भी पूरा पूरा सपोर्ट मिला है, तो इसलिए मैं अच्छे से कर पाई हूँ। थैंक यू, आप सभी को थैंक यू, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया है, और आप सभी को एक बार फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सीजी ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट समय चक्र स्कूल टॉपर्स अवार्ड में आज हमने आपको मिलवाया निधि से। कुछ ऐसे ही टॉपर से हम आपको मिलवाने लेकर चल रहे हैं, तो आइए हमारे साथ। बाय निधि, आइए चलते हैं। निधि शर्मा के बाद हम सीधे जा रहे हैं बरोठा रोड पर स्थित ग्राम आक्या, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अग्रवाल जूनियर कॉलेज अब बन चुका है माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी। ज्ञान के उज्जवल प्रकाश में पढ़ते, हंसते, खेलते, बढ़ते मंजिल की ओर थामे संस्कारों की डोर। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, शिक्षा के साथ संपूर्ण विकास, कुछ अलग कुछ खास। माँ शारदा इंटरनेशनल एकेडमी, बाईपास चौराहा, उज्जैन रोड, देवास। Give a boost to the creativity of your child at DPS Kids. सन 2007 से संचालित नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के DPS Kids में मॉन्टेसरी तथा इंडक्टिव मेथड द्वारा आपके लाडलों को परिपूर्ण शिक्षण के साथ ही मिलता है डांस, म्यूजिक, ड्राइंग, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी एवं प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स हेतु भी प्रवेश प्रारंभ। DPS किड्स, 8 अनुकूल नगर, देवास। ब्रेक के बाद आइए सीधे चलते हैं ग्राम आक्या, जहां रहते हैं द हिमालय एकेडमी के 10वीं के टॉपर।
चाहते हैं कि हम हमारे सभी टॉपर्स को आपके सामने लाएं। इसलिए इन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आज हम आ पहुंचे हैं आकिया गांव, जहां हम मिलेंगे सरफराज से, जो कि 10th स्कूल में टॉपर है अपने स्कूल हिमालय एकेडमी के। तो आइए सरफराज से पूछते हैं, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे पढ़ाई कैसे करते हैं। हाय, कांग्रेचुलेशन सरफराज। सरफराज, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं। माय नेम इज सरफराज पटेल, माय फादर नेम इज मिस्टर नौसार पटेल, माय मदर नेम इज मिसेस हमीदा भी। अच्छा सरफराज, हमें पता चला है कि आपके पापा किसान हैं, तो किसानों को तो बहुत काम होता है, आपको हेल्प भी करवाना होती होगी, तो आप पूरा काम मैनेज कैसे करते हैं? घर पे काम, समय देना काम के लिए, फिर खुद भी पढ़ाई करना? रात में पढ़ाई करता हूँ मैं, दिन में बहुत समय देना पड़ता है घर पे। आप क्या क्या काम करते हैं? ये भैंस को पानी पिलाना, उनको निराव डालना, टोटल काम करता हूँ मैं तो टोटल। रात को पढ़ाई करता हूँ, रात को टाइम मिलता है मुझे 7:30 से 10:12, जब तक पढ़ाई हो जाए तब तक बहुत टाइम रहता है रात को। आपका स्कूल और घर के कामों में ही पूरा समय चला जाता होगा, तो आप कोचिंग तो जाते नहीं होंगे, तो फिर आपने सेल्फ स्टडी जो की है उसमें आपने कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई की, आपने कैसे पढ़ाई की खुद से? लिख के याद करना, उससे राइटिंग, मतलब राइटिंग में जो मिस्टेक होती है वो सुधरी मेरी, उससे बहुत कम मार्क्स कटे मेरे। जी, राइटिंग अच्छी हो गई आपकी और याद भी रहता है लिखा हुआ। याद भी रहता है लिखा हुआ पूरा जी। अच्छा अंकल नमस्ते, आप बताइए सरफराज के बारे में आपकी क्या विचार है? मैम ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे घर में पैदा हो जाते हैं, वो अपने किस्मत पे नाच करते हैं, और कुछ बाप ऐसे होते हैं जिनके यहाँ औलाद ऐसी पैदा हो जाती है कि उन पे नाच करती है। तो हमारे लिए तो यही है बहुत बड़ी खुशी कि हमारे बच्चे ने अपने स्कूल में टॉप किया है, और हमारी ये कोशिश रहेगी हमेशा कि हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें। सरफराज आप क्या बनना चाहते हैं, अभी आपने क्या करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? बायो। बायो करेंगे, डॉक्टर बनना है आपको? हाँ। अच्छा डॉक्टर बनेंगे आप। अंकल आप बताइए, जैसे सरफराज ने अभी बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप कितना सहमत है उसके इस निर्णय से, आप क्या चाहते हैं उससे? नहीं, अब जैसे इनने जो डिसाइड किया है उसमें तो अब इनके अब नहीं जाएंगे हम विपरीत, जैसा ये चाहे, अब हम तो ये चाहेंगे कि कुछ भी अच्छा करें। अच्छा, आपका पूरा सपोर्ट रहेगा उसको? जी सर, पूरा सपोर्ट है जी। दादाजी नमस्ते, आपको कैसा फक्र महसूस, क्या महसूस हो रहा है अभी सरफराज के लिए? सरफराज के लिए बहुत फक्र महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी का पोता अगर इस नंबर पे पास हो तो उसको फक्र तो होना चाहिए जी। आप और कौन कौन सी उम्मीदें रखते हैं सरफराज से? ये जो चाहिए वो कर सकता है, हम तो इसको बिल्कुल पढ़ाने पे आमादा है, इसकी इच्छा के ऊपर जो ये कर सकता है, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, वकील बनना चाहे, या जिस कोर्स में जाता है हम उस पर सहमत हैं। सरफराज आप कुछ टिप्स जो दूसरे बच्चों को देना चाहते हो? जैसे टीचर की तो हर बात मानना पड़ती है, मतलब अगर वो उसको मान के चलोगे तो आप तो बहुत आगे जाओगे, और टीचर जो होमवर्क देती है अगर वो समय पे किया आपने तो आपको कोई टेंशन ही नहीं, कुछ भी लोड नहीं आएगा आपको, कुछ याद करने का लिखने का कुछ भी नहीं, बस होमवर्क टाइम पे रहता होगा तो तुम अच्छे परसेंट बनेंगे और आराम से रहोगे, तुम कोई टेंशन नहीं रहेगी दिमाग पे घर आने के बाद भी और स्कूल में भी, बस जो टीचर बोलते हैं वो करते जाओ। सरफराज आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? दादाजी को पूरा, आधा आधा, पापा को, दादाजी को, दोनों को। अच्छा सरफराज ये बताइए आप कितने भाई बहन हैं, आपकी फैमिली में और कौन कौन है? हम दो भाई है। दो भाई? आप सबसे बड़े? हाँ बड़ा हूँ, मेरा छोटा है मेरा भाई। वो क्या कर रहा है? वो क्या करता है? वो स्कूल जाता है मेरे साथ वहाँ पे देवास। आप टिप्स देते हैं उनको? आप कुछ टिप्स देते हैं उन्हें स्टडीज के लिए? हाँ देता तो हूँ। अगेन कांग्रेचुलेशन सरफराज, आपने आपका अमूल्य समय दिया उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सरफराज अभी हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम जितने भी टॉपर्स हैं सबको बुलाकर उनका सम्मान करेंगे, तो आप अपनी फैमिली के साथ आना जिससे आपके पेरेंट्स को फक्र महसूस हो सके आपके ऊपर, ठीक है? अगेन थैंक यू। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो आप किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कुछ ऐसे ही हौसलों के साथ आज हम आए आकिया गांव में रहने वाले सरफराज पटेल से मिलने, ऐसे ही कुछ अनोखे टॉपर से हम आपको मिलवाने ले चल रहे हैं, तो आइए चलते हैं और उन टॉपर से भी मिलते हैं। चलिए आकिया जाकर तो हम 10वीं के स्कूल टॉपर सरफराज पटेल से मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं ग्राम राजोदा की ओर, जहां हम मिलने जा रहे हैं एक और स्कूल टॉपर से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। A pioneer,
a trendsetter, and a global leader and presence in over 15 countries. We at Arena have always delivered world-class quality, competence, and consistency in our offerings, and offer industry-relevant courses in animation and multimedia to students aspiring for global careers in this new age industry. We train students as well as professionals in the latest industry-relevant courses, backed by alliances with world leaders, a world-class faculty, and the latest technical educational tools. Our range of courses comprise training in areas such as animation, graphics, gaming, web and interactive multimedia, among others. For opportunities in industries like advertising, entertainment, print and publishing, designing, and internet. Arena students are also offered 100% placement assistance. Arena Animation, first floor, Diamond Tower, near HDFC Bank, Ramnagar, AB Road, Devas. Phone number 9826028845. वर्मा क्लासेस, जहां टॉपर्स तराशे जाते हैं. निरंतर 30 वर्षों से एमपी बोर्ड 10th एंड 12th के स्टेट टॉपर्स हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स या फिर हो स्कूल टॉपर्स, यह सभी होते हैं वर्मा क्लासेस के स्टूडेंट. 9th टू 12th एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक ही डेस्टिनेशन वर्मा क्लासेस, 47 सुतार बाकल, देवास. फोन 222571, मोबाइल 9425050001. आइए चलते हैं सांदीपनी स्कूल राजदा की मैथ टॉपर मनीषा पाटीदार के घर. स्कूल टॉपर्स की इस यात्रा में अब हम आ चुके हैं ग्राम राजोदा. अभी हम खड़े हैं राम मंदिर स्थित झंडा चौक पर और अब हम मिलने जा रहे हैं एक स्कूल टॉपर मनीषा पाटीदार से. तो आइए चलते हैं और मनीषा से मिलते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा, और आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन संजना, और आप सभी को इन दोनों के अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. मनीषा, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. मेरा नाम मनीषा पाटीदार है, मैं सांदीपनी हाई सेकेंडरी स्कूल से 12th मैथ से पास करी है एंड मेरे परसेंटेज 85.77 है. ओके मनीषा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में पापा, मम्मी, दादा जी एंड अंकल आंटी एंड 4 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स एंड एक 1 भाभी. अच्छा मनीषा, आपने सांदीपनी स्कूल से पढ़ाई की है, आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? वहाँ की टीचिंग टेक्निक्स क्या थी? वहाँ की टीचिंग बहुत अच्छी थी, सभी ने बहुत हेल्प करी, बहुत अच्छा स्टॉप था वहाँ का. जी, और कैसे आपको सपोर्ट किया? सभी टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया, जो भी कन्फ्यूजन था वो सभी ने क्लियर किया. जी, अच्छा मनीषा, आप कोचिंग तो शायद कोचिंग गई हैं आप? नहीं गए. तो आपने फिर घर पर ही सेल्फ स्टडीज की होगी? yes. तब आपने कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की थी सेल्फ स्टडीज के लिए? मैम, मैंने सिस्टर्स के साथ में पढ़ाई करी और हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी. साथ में पढ़ाई की थी. अच्छा, यहाँ पर एक ही घर में एक ही स्कूल की एक फर्स्ट है और एक सेकंड है. अब आइए सेकंड टॉपर से हम जानते हैं उनके विचार. आपने कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की थी? हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, हर टॉपिक साथ में क्लियर किए थे और टीचर से भी हर टॉपिक जितना भी कन्फ्यूजन था सब क्लियर करके हम दोनों साथ में स्टडी की थी और साथ में हर एग्जाम में हर पेपर में साथ में स्टडी की थी. नमस्ते अंकल. अंकल आप क्या करते हैं? जी मैडम, दुकान है मेरे देवास में, मोटर पंप रिपेयरिंग की और एग्रीकल्चर का काम है. अच्छा, देवास में दुकान है तो वो यहाँ से काफी दूर है, तो आपको आने जाने में आप दुकान में आप ज्यादा टाइम देते होंगे, फिर आप इसको सपोर्ट कैसे करते हैं मनीषा को? मैम हमारा सपोर्ट तो कुछ भी नहीं है इनको, हमारा सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट हमारा है जी. बाकी तो कोई पढ़ाई के विषय में हमारा सपोर्ट नहीं है, ये इनकी मेहनत से ही है जो भी है, मतलब सारी सेल्फ स्टडीज उन्होंने की है. जी जी, आपको कैसा लग रहा है? आपने सपोर्ट तो सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया, अब उसने इतनी अच्छी अचीवमेंट प्राप्त की है, फर्स्ट आई है वो स्कूल में, आपको कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है मैडम, और आगे और भी उम्मीदें हैं इनसे, मैं चाहता हूँ कि और आगे भी अच्छा नाम करे अपना ये और परिवार का. मनीषा, आपने मैथ से किया है 12th, आप क्या किस फील्ड में अपने आपको देख रही हैं आगे, आप क्या करना चाहती हैं? मैं बी से सीएस करना चाहती हूँ. ओके, इंजीनियर बनना चाहती हैं आप. अंकल, आप सपोर्टिव हैं इस चीज के लिए? सपोर्ट में है, बिल्कुल सपोर्ट में है. जी जी. नमस्ते आंटी.
आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कैसे सपोर्ट किया था? मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ उसको, पढ़ाई कर वो कर, काम कुछ कुछ भी नहीं कराती और पढ़ाई में ध्यान रखती है जी। सुबह उठाना जल्दी? हाँ, जल्दी जल्दी उठ जाती है वो, बिगड़ के 4-5 बजे की और पढ़ाई करने लग जाती। सुबह से ही पढ़ाई करती है। अच्छा आंटी, आपका कुछ सपना जो आपने देखा हो कि मेरी बेटी ये पूरा करे, मेरा ये सपना पूरा करे, आप क्या चाहती हैं इससे? चाहती हूँ कि अच्छी पढ़ लिख कर कुछ भी बने और आगे हमारा नाम रोशन करे दादाजी वगैरह का। नमस्ते दादाजी। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पोतियों ने आपका नाम रोशन किया है। क्या आशीर्वाद देते हैं उन्हें? और क्या आशीर्वाद देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं उनको? यूँ जाओ, खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, ये आशीर्वाद। नमस्ते अंकल, आपको कैसा लग रहा है आपकी भतीजी के लिए? आपकी बेटी ने भी टॉप किया है, आपको कैसा अभी महसूस हो रहा है? लग रहा बोला खुद की, दोनों की सेल्फ मेहनती है ये, और दोनों ही अपने आप में कुछ भी कंफ्यूजन दोनों अपने आप से कर लेती थी, दूसरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रहती थी जी। बाकी बहुत बढ़िया करा, मतलब आपको ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना पड़ता वो खुद? हमने तो करा ही नहीं किसी इंटर, आपस में सुलझा लेती थी वो, एक दूसरे की कुछ भी कंफ्यूजन रहता दोनों आपस में, और एक जो बड़ी बहन है उससे भी कर लेती थी वो। अच्छा भैया, बहनें जब कुछ करती है तो सबसे ज्यादा खुशी भाई को होती है, आपको अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको उम्मीद थी मनीषा कुछ ऐसा करेगी? जी जी बिल्कुल, इनको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता था, बिल्कुल एक दूसरे का सपोर्ट दोनों को था। आपने कुछ टिप्स दिए, कुछ मार्गदर्शन किया अपनी बहनों के लिए? जब उनको जरूरत होती थी मैं बताता। दी आपको कैसा लग रहा है, आपकी बहनें इतना नाम कमा रही है, स्कूल में टॉप किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने बहुत टॉप किया है, मतलब वो दोनों ने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए कि 85 से तो अबव 1 है हमारे, और उन्होंने बहुत अच्छा किया जी। अच्छा मनीषा, आपकी और क्या क्या हॉबीज है, आप और क्या क्या करना पसंद करती है? मैं टेडी बेयर बनाना पसंद करती हूँ और डांस कर। अच्छा मतलब आप क्रिएटिव है थोड़ा, ये सॉफ्टवेयर आपने ही बनाया है? ओके। और कुछ अदर एक्टिविटीज, स्कूल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते थे आप? यस मैम। आप अपनी सफलता का श्रेय, जो आपको ये अचीवमेंट मिली है, इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगी? मैं अपने टीचर्स को एंड पेरेंट्स को। ओके, और आप किन्हें देना चाहेंगी अपनी सफलता का श्रेय? मैं भी अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को एंड मोस्टली मेरी सिस्टर को। ओके, अच्छा आप दोनों से हमें कुछ टिप्स चाहिए जो दूसरे बच्चे भी अप्लाई करें और वो भी टॉप करें, आपके अकॉर्डिंग क्या टिप्स होना चाहिए, सीक्रेट टिप्स? वो मैम उनको स्टडी ग्रुप में करना चाहिए जिससे उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और उनको 11th के बाद ही 12th की स्टडी स्टार्ट कर देना चाहिए, तो एग्जाम के टाइम पे इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता है पढ़ाई का। और आपके अकॉर्डिंग? स्टार्टिंग से अच्छी स्टडी करनी चाहिए, लास्ट में ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग से करते हो तो ज्यादा बेटर रहता है, एंड हर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जिससे हमको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा आप बनना क्या चाहती है, आपकी बहन तो CSBE करना चाहती है, आप क्या करना चाहेंगी? मेरी भी इच्छा बी की है, बट अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा मतलब फिर से साथ में ग्रुप स्टडी करना है। स्कूल टॉपर की इस यात्रा में हमें जैसे ही सूचना मिलती है किसी टॉपर की, हम वैसे ही निकल पड़ते हैं, और आज इसी सिलसिले में हम आए हैं राजोदा गांव, जहां हमें एक नहीं दो दो टॉपर्स मिली है। आज हम मिले मनीषा से और संजना से, कुछ ऐसे ही छुपे रुस्तम टॉपर से हम आपको मिलवाते रहेंगे, हमारी ये यात्रा अभी भी जारी है, तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही और टॉपर से। चलिए, जहाँ तक हमें लग रहा है आप स्कूल टॉपर्स के रूप में किए जा रहे हमारे इस प्रयास को भलीभांति समझ चुके होंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम के रूप में हमारे केवल एक ही उद्देश्य है, और वो है इन टॉपर्स से आपको मिलवाना, भले ही ये टॉपर्स कहीं भी रहते हों। तो इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोच रहे हैं ये बताना बिल्कुल न भूलें इन नंबर्स पर।